की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने विद्याधरनगर विधानसभा पार्टी से प्रत्याशी अक्षय सैनी के कार्यक्रम में विद्याधरनगर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। वो पत्रकार बंधुओं से वार्तालाप की। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राधामोहन सैनी ने बताया कि हमने राजस्थान विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, भारी बहुमत के साथ पार्टी जीत दर्ज करवाएगी। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राधामोहन सैनी, राजस्थान प्रभारी एडवोकेट नितिन शर्मा, महासचिव विमल श्रीवास्तव सहित सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दलित समाज है, आदिवासी समाज है, ये समाज को सामाजिक एवं आर्थिक स्ट्रेंथन करने की हमारी भूमिका है और भारत सरकार से जो भी मदद हो सकती है ये मदद करने की कोशिश हम करेंगे। मेरे मंत्रालय का बजट 1,59,000 करोड़ का है, आदिवासी ट्राइबल का बजट 1,37,000 करोड़ का है, दोनों मिलाकर कम से कम 2,90,92 करोड़ का इतना बजट है और एक बड़ा बजट है, तो ये दलित आदिवासी के विकास के लिए हम खर्चा कर रहे हैं। तो एक हमारा मुद्दा है, दलित पर होने वाले अत्याचार ये सरकार रोक नहीं पाई है, इसीलिए बीजेपी की सरकार आएगी तो दलित अत्याचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमारी जो बीजेपी की सरकार है ये कोशिश करेगी, ये हम वादा करते हैं। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी, जो देश का संविधान है ये संविधान बदलेंगे, इसी तरह का अपप्रचार कांग्रेस की तरफ से होता है और दलित समाज में गलत फहमियाँ फैलाने का काम होता है, लेकिन मैं दलित समाज को आश्वासन देना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते जो संविधान बना है ये संविधान बिल्कुल कोई भी नहीं बदल सकते हैं, ये बदलने वाला संविधान नहीं है। संविधान में प्रावधान है कि संसद को नया कानून बनाने का अधिकार है, संसद को पुराने कानून में अमेंडमेंट करने का अधिकार है, तो इसीलिए संविधान बदलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानबूझकर प्रचार किया जाता है। जिस नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में सेंट्रल हॉल में संविधान को माथा टेककर शपथ ली है, जिस नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का नाम संविधान सदन दे दिया है, जिस नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के अधूरे जो मेमोरियल थे वो कांग्रेस के जमाने में बिल्कुल उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था। बज्जू से खबर। जो उपखंड मुख्यालय में स्थित ग्राम पंचायत बांगड़सर में आरडी 860 पर आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग द्वारा चेक पोस्ट लगाई गई, जिनका उद्देश्य भ्रष्टाचार व अवांछित वस्तुओं पर रोक लगाना है। साथ ही चेक पोस्ट पदाधिकारियों द्वारा बताया कि चेक पोस्ट के द्वारा शांति व्यवस्था व अपराधियों में डर भय कायम रहेगा। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि हम आने वाले सभी गाड़ियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं, अगर ऐसी कोई नशीली या विस्फोटक पदार्थ मिलने पर हम आगे की कार्रवाई करते हैं। मकराना शहर से खबर। जहां निर्वाचन रजिस्ट्रकार पदाधिकारी एसडीएम मकराना के निर्देश में शनिवार सुबह 10 बजे बोरावड रोड बाईपास पुलिया के नीचे कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय निर्माण स्लोगन व ब्लू थीम के साथ स्वीप टीम ने सर्विस वोटर मार्च निकाला। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग से सीबीओ दीपक शुक्ला, स्वीप मेंबर AK भाटी, गजेंद्र सिंह गुर्जर सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। सूरतगढ़ विधानसभा चुनावों को लेकर प्रत्याशी लगातार जनता से वोट की अपील कर रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी डूंगर राम गेदर ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कर वोट की अपील कर रही हैं। गेदर ने जनता को कांग्रेस सरकार की योजनाओं से अवगत करवाया, भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने जनता को ठगने का काम किया है, जनता समझ चुकी है। दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहते हुए विकास कार्यों का बखान किया। भीलवाड़ा से खबर। जहां प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी से बागी हुए नेताओं को वापस पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी।
अरुण सिंह आज एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने भाजपा कार्यालय में विधानसभा चुनावों को लेकर जिले के भाजपा पदाधिकारी व राजनेताओं के साथ बैठक ली थी। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान